और हमारी जहां कमेंट्री कर रही है उसके छत के ऊपर गेंद आके गिरा। क्या शॉट, क्या प्लेयर है, प्रेशर में क्या लाजवाब छक्का रिसीव किया है। और यही हम बात कर रहे थे कि उनके रेडार में अगर गेंद आ गई तो फिर बाउंड्री के बाहर ही जाके गिरेगी वो गेंद। इतना दम खम झोंक देते हैं हर एक शॉट में। ये खूबी है महेंद्र सिंह धोनी की, ऊंचाई और दूरी दोनों आसानी से हासिल कर लेती है वो गेंद जब संपर्क बल्ले के बीचों बीच होता है। ये देखिए कमाल का शॉट, भरपूर शॉट एमएस धोनी का। तो आप बात कुछ बनती हुई, 9 रन और 4 बॉल। एरंगा अब परेशान होंगे, अब प्रेशर पड़ा है एरंगा पे और श्रीलंका पे। एमएस धोनी फिर से तैयार है बड़ी शॉट के लिए। कवर के ऊपर से 4 रन मिलते हैं या नहीं मिलते, शायद 4 रन। एमएस धोनी जवाब नहीं है, 5 रह गए और 3 रन। जैसे के कैलकुलेटर फिट है उनके जेन में, जैसे के फील्ड फिट है एमएस धोनी के जेन में। फैंस खुशी से झूम उठे, यकीन नहीं आ रहा, लाजवाब इनिंग्स खेल रहे और क्या बैटिंग कर रहे हैं। जैसे प्रेशर पड़ा है एमएस धोनी ने अपनी क्लास दिखाई है। यही वजह है कि ये कभी विचलित नहीं होते, कभी घबराते नहीं, कभी हताश नहीं होते, क्योंकि इनको अपनी काबिलियत पे भरोसा है। ये खूबी है महेंद्र सिंह धोनी की। दबाव अब पड़ चुका है इरंगा पे और वो ज्यादा अनुभवी है नहीं, इसका फायदा उठाएंगे यह भारतीय कप्तान। 3 गेंदे 5 रन जीत से दूर, सिर्फ एक शॉट की बात है यहां। एक बाउंड्री भी निकल आई तो स्कोर बराबर हो जाएगा। हमला फिर होगा, एमएस धोनी तैयार, सीधी शॉट, 4 रन, फ्लैट। भारत फाइनल जीत गया, भारत फाइनल जीत गया, एमएस धोनी जीत गए। माइनस टच, लव्स मेरे पास नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि एमएस धोनी ने क्या जादू दिखाया यहां। तो हरा हुआ मैच जीते हैं और ये सिर्फ